मेरा क्वेश्चन है, अगर एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके फिंगरप्रिंट से क्या उसका मोबाइल अनलॉक किया जा सकता है या नहीं? बात नहीं करेगा मेरे से, मेरे से बात नहीं करेगा। मैं आपको अपने बारे में एक चीज बता देता हूँ, मैं जो हूँ ना सीखने वाली चीज हूँ। क्या हूँ? सीखने वाली चीज हूँ। गाइस, आपने मोबाइल सेंसर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें कि फिंगरप्रिंट होता है, मतलब हम अपनी फिंगर से मोबाइल का जो सेंसर है उसमें अगर प्रेस करते तो मोबाइल अनलॉक हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी फिंगर से मेरा ये जो मोबाइल है इसमें जो फिंगर लॉक लगा हुआ है खुल जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी वाली फिंगर से मेरा जो मोबाइल का जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। आपको कमेंट कर देना है और वीडियो के लास्ट में मैं तो आपको मैं बता ही दूंगा। भाई, आपको ये भी बताना है कि जैसे कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके फिंगर से उसका मोबाइल फ़ोन अनलॉक किया जा सकता है उसकी मृत्यु होने के बाद? आपको ये भी कमेंट करना है साथ में। और यहाँ पर मुझे एक भाई साहब मिले, भाई साहब थोड़ा 1 मिनट इधर आइए। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो है मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसी से मैं अपने सारे वीडियो बनाता हूँ। इसके जो यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है, इसमें मतलब फिंगर प्रिंट मेरे फिंगर से इसको मैं अनलॉक कर सकता हूँ। सो गाइस, ये मेरे रैंडम फ्रेंड है मेरे, और अभी मिले हैं, तो इन्हें ये बताना है कि मेरे भाई साहब इस मोबाइल में मेरा फिंगर लॉक लगा हुआ है, आपको मेरे फिंगरों से इसको अनलॉक करना है। अगर आपने अनलॉक कर दिया तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। सो गाइस, सीधी सी बात है कि मेरा ये मोबाइल फ़ोन जो है इसमें मेरा फिंगर लॉक लगा हुआ है, और इन वाले भाई साहब को मेरी फिंगर से इस फ़ोन को अनलॉक करना है। अगर इन्होंने अनलॉक कर दिया तो ये जो कहेंगे मैं वो करूंगा, और आप भी जो कहेंगे मैं वो करूंगा, ठीक है? तो आप कमेंट कर दीजिए कि मेरी कौन सी फिंगर का लॉक इसमें लगा हुआ है। ये इसका फिंगर है, सेंसर है पीछे से लगा हुआ, तो आपको जो है मेरी फिंगर को टच करके इसमें लॉक खोलना है। आप खोलिए। खुला? खुला? नहीं खुला। ये वाली फिंगर इनसे नहीं खुला, आप देख सकते हैं ये वाली फिंगर से भी नहीं खुला। थर्ड? नहीं। गाइज, आपको कमेंट करना है कि कौन सी फिंगर से। फोर्थ फिंगर हो गई है, फोर्थ फिंगर से भी नहीं खुला। ये मेरा थंब है, थंब भी इन्होंने चिपका दिया है, इससे भी सेंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको ये वाले हाथ से ट्राई करना है। खुला? नो। गाइज, आप कमेंट करिए कौन सी वाली फिंगर से खुलने वाला है। उंगली नंबर 7 हो चुकी है और मेरा फिंगर लॉक इसमें लगा हुआ है, 100% श्योरिटी है ये। तो 9 नंबर की फिंगर हो चुकी है और खुला क्या? गाइज, सर जी का जवाब है नथिंग रिस्पॉन्डिंग। तो आपने देखा कि मेरी जो फिंगर लॉक लगने के बाद भी मेरा जो है ये जो लॉक है फ़ोन का, भाई साहब नहीं खोल पाए, और आपने भी कोई ना कोई कमेंट तो किया होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फिंगर से अनलॉक कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो रेडी, 1 2 3। पकड़िए भाई साहब जरा। आप भी क्या रखेंगे कि जो मेरा मतलब मोबाइल फ़ोन है ना, लाओ आप देख सकते हैं ये है मेरे फिंगर और ये कल लॉक। आप देखो सर, ये खुल गया है, देखा आपने? तो मेरी वाली जो फिंगर है, मेरे पैर की जो फिंगर है, मैंने इसका लॉक इसमें लगाया हुआ है। तो देखा आपने, तो ये कैसा लगा आपको जरूर बताना। तो भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि मेरे फिंगर लॉक तो लगा हुआ था लेकिन ओपन हो गया? ये तो मतलब एक अमेजिंग टाइप का ही हुआ है कि मतलब एक कुछ समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, मतलब सो भाई सिक्योरिटी को थोड़ा और ज्यादा क्या हाईली एडवांस कर दिया। हाँ, हाईली एडवांस करते हैं। और फिंगर तो हमारी 20 होती हैं, मतलब 20 उंगलियाँ होती है नॉर्मली, तो हम किसी भी फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ गाइज, एक चीज़ और है। हाँ सर, आप बताइए, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसका मोबाइल फ़ोन का सेंसर से उसकी फिंगरप्रिंट से उसका मोबाइल अनलॉक किया जा सकता है? अगर हम केस देखें सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में, किसी भी मृत इंसान की फिंगर प्रिंट से उसका मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं किया जा सकता है। ये जितना भी अभी तक दिखाया गया है ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, रियलिटी ये होती है, जो सेंसर होता है मोबाइल सेंसर की बात कर रहा हूँ, रियलिटी ये होती है कि जो फिंगर्स होती हैं उसके अंदर जो लिक्विड्स होते हैं, पर्टिकुलर लिक्विड्स का नाम मुझे नहीं पता है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वो ये जो सेंसर होता है ना, उस लिक्विड को भी साथ में स्कैन करता है। वो लिक्विड अगर बंद हो गया, इंसान मर जाएगा, तो सीधी सी बात है वो लिक्विड जो होगा उसको, वो उसकी स्कैनिंग भी बंद हो जाएगी, तो उससे अनलॉक नहीं होता है। सिर्फ जीवित व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से ही मोबाइल का जो सेंसर है वो अनलॉक किया जा सकता है। सो आप बताना गाइज, आपको ये चीज़ पहले पता थी या नहीं थी? और हाँ गाइज, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने वीडियो कुछ ऐसे करके स्टार्ट किया, गाइज मेरा ना वीडियो बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ, अगर मैंने ऐसे स्टार्टिंग की है तो आप मेरा वीडियो उसी समय हो सकता है एग्जिट मार देंगे। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि अगर मैंने स्टार्टिंग भी ऐसी की है ना, आपको वीडियो पूरा देखना है, पता नहीं मेरे वीडियो में कौन से पोर्शन में आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरे कई वीडियो जो है मैंने ऐसे ही कुछ स्टार्टिंग की है जो कि लोगों को बड़ा डल सा लगता होगा, और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, और उसके बाद दोबारा कमेंट करते हैं कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ।
सो गाइज वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए आप, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। मैं जो हूँ ना सीखने वाली चीज हूँ। क्या हूँ? सीखने वाली चीज। मेरा क्वेश्चन है, अगर एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके फिंगरप्रिंट से क्या उसका मोबाइल अनलॉक किया जा सकता है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेड पर्सन लगे होता है, उसकी ह्यूमन बॉडी टेंडेंसी अलग रह जाती है ना। अच्छा, मतलब जो सेंसर होता है वो नहीं काम नहीं करता। सही आंसर है। मैंने कल जितने भी लोगों से पूछा ना, सबके साथ हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा बोल रहे थे। ये पहले बंदे मिले हैं मुझे जिन्होंने की बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है हालांकि इंसान की बॉडी में, उसके बाद ही एक्सेस हो पाता है। तो ये फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है ना, वो सब गलत दिखाया जाता है। तो फिल्मों के चक्कर में ना रहो भैया। थैंक फॉर योर ओपिनियन। गाइस, एडिटोरियल्स और ट्यूटोरियल्स का जमाना जो है ना चला गया, अब सेंसोरियल्स का जमाना आ गया है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपको जो मेरे वीडियोज हैं वो पूरे के पूरे देखने हैं। अगर आपने मेरे वीडियोज पूरे नहीं देखे तो मैं जो धरती है ना ये पलटा दूंगा, ठीक है? तो आपको मेरे जो वीडियो हैं पूरे देखने हैं। मैं आपको अपने बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, मैं जो हूँ ना सीखने वाली चीज़ हूँ। क्या हूँ? सीखने वाली चीज़ हूँ। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जीवित इंसान की बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती हैं, मतलब इंसान के शरीर में करंट होता है। और जो स्कैनर होता है, मतलब मोबाइल सेंसर जो होता है, वो फिंगरप्रिंट के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती हैं उनके होने के बाद ही एक्सेस हो पाता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होती हैं तब तक ही रहती हैं इंसान की बॉडी में जब तक कि इंसान जीवित होता है, मतलब कि इंसान के खत्म होते ही जो करंट होता है वो भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो मृत इंसान की फिंगरप्रिंट का कोई यूज नहीं रह जाता उस मोबाइल सेंसर में।